ये लोग बड़े अड़ंगे डालेंगे सर। ये रावण को हनुमान की पूंछ से बहुत तकलीफ थी, पूंछ, क्योंकि पूंछ ने कांड किया था। और जो आदमी बढ़ जाता है उसकी पूंछ से सभी को तकलीफ होती है कि इसकी इतनी पूंछ क्यों हो रही है। तो पूंछ से कब को तकलीफ है कि इसकी इतनी पूंछ। तो रावण को हनुमान जी की पूंछ से, तो मानस में एक जगह मैंने पढ़ा कि रावण ने सोचा आज हनुमान की पूंछ ही उखाड़ देता हूं, ना रहेगा बांस। तो हनुमान जी कह रहे हैं शिला पे बैठे हुए तो ये चुपके चुपके पीछे आया और हनुमान जी की इसने पूंछ पकड़ी कि आज तो उखाड़ ही दो, स्यापा ही खत्म करो। तो जब पूंछ उखाड़ने लगा तो हनुमान जी ने मुड़ के देखा कि कोई हरकत हुई और इसने अपनी दसों भुजाओं का बल लगाया। अब जब हनुमान जी ने पलट के देखा कि रावण, तो हनुमान जी उड़े। अब जब उड़े तो ये भी पीछे पीछे उड़ा। अब पहले तो उखाड़ने आया था, फिर कह रहे हे शंकर भगवान ये उखड़ ही ना जाए, कि अगर ये उखड़ गई तो कहां से गिरेंगे और कहां हम जाएंगे। शंकर भगवान का भक्त है, बोला हे शंकर भगवान अब ये उखड़ ही ना जाए, तो लोग तुम्हारी पूंछ उखाड़ेंगे लेकिन तुम, आप मेरे साथ हैं तो बोलिए हाँ। तो जब रावण का बस नहीं चला तो कहते हैं रावण ने चार सेनाएं भेजी हनुमान जी को परास्त करने के लिए। अब आप अपने आप को हनुमान जी समझना और बाकी सबको राक्षस। चार सेनाएं भेजी, घुड़सवार, रथ सवार, हाथी सवार और पैदल। हाथी सवार, घुड़सवार, रथ सवार और बोला जाके बंदर को मारो। अब वो चारों सेनाएं आई, हनुमान जी ने सबको साफ कर दिया। गुप्तचर पहुंचे रावण के दरबार में, रावण ने कहा है सेना कहां है, बोला साफ। बोले बंदर कहां है, बोला वहीं है। रावण ने बोला तुमको आता नहीं है कुछ, तुमको चोर युद्ध करना चाहिए था, आगे से नहीं पीछे से बंदर को पकड़ो, पीछे से। उसने बोला महाराज बुरा मत मानिएगा, आगे वाले तो कुछ देर रुके भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी ना रुके। रावण ने बोला पीछे क्या, बोला पीछे पूछ। रावण ने बोला पूछ की बात मत करो, पूछ की बात मत करो मेरे से, पूछ। बोला आगे तो हाथ की सीमा है कहां तक बढ़ेगा, पूंछ का तो पता ही नहीं कितनी लंबी हो जाए। और जब जब पूंछ उखाड़ने का कोई प्रयास करेगा पूंछ लंबी ही होती जाएगी, पूंछ लंबी ही होती जाएगी। तो फाइनली हार के रावण ने अमर सेना भेजी। रावण के पास एक सेना थी जो अमर थी, तो गुप्तचरों ने हनुमान जी को बताया कि प्रभु कल अमर सेना आ रही है। विभीषण जी सारे परेशान हुए, राम जी परेशान हुए कि अमर सेना, हनुमान जी अब, बोला कल बताऊंगा आने दो। बोले तो मरेंगे ही नहीं, ऐसे भी लोग होंगे ना तुम्हारे इर्द गिर्द जो रहेंगे, साला मरेंगे नहीं, चू 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 करते रहेंगे। हनुमान जी ने कल बताएंगे। अब अगले दिन अमर सेना आ गई। हनुमान जी ने कहा मरने वाले तो है नहीं, क्या करा जाए। तो हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई और शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी ने सबको पूंछ में लपेटा और पूरी ताकत से जब फेंका तो गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले गए कि अब मंडराते रहो, बोले ऊपर। गुप्तचर पहुंचे रावण के पास, रावण ने बोला सेना कहां है, बोला महाराज जाते देखी थी आते नहीं देखी, जाते देखी थी बोले आते नहीं देखी थी, बोले बंदर कहां है, बोले बंदर वहीं, बोले कैसे किया, बोले आप फिर बुरा मानोगे, पूछ, बोले पूछ की बात मत करो मुझसे। जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा भी होगी, जितनी जिसकी स्तुति होगी उतनी उसकी, है ना। बस
आज आप मुझसे एक वादा करो, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनने के लिए आपको बस अंगद की तरह पैर जमा देना है। राक्षस कोई भी आए तुम्हारा पैर ना उखाड़ सके, बस पीछे मत हटना यार, क्योंकि लोग तुमको पीछे करने का भरसक प्रयास करते ही होंगे। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार आते जाते फिर मारते होंगे तुम्हारे गुब्बारे के अंदर। हम यहां से तुम्हारे गुब्बारे में हवा भरेंगे, बाहर जाते कोई ना कोई बैठा होगा। कालनेमी भी बहुत है, और रावण ने भेजा कालनेमी को हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि रास्ता रोका जाएगा हर उस आदमी का जो एक अच्छा काम, एक बड़ा काम, एक शानदार काम, एक शौर्यवान काम करने निकला है, उसका रास्ता रोका जाएगा। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, सुखेन वैद्य ने बोला हनुमान मूर्छित हैं, लेकिन सुबह सूर्य उदय से पहले अगर संजीवनी आ गई तो ये बच सकते हैं। हनुमान जी ने बोला अभी ले आता हूं। हनुमान जी में एक बात कमाल की है, ये तो कहते ही नहीं है कि क्या होगा, बोला हम करते हैं अभी करते हैं। कोई काम उनको बड़ा लगता है, कितना कुछ सीखने को है। अब वो बोल रहे संजीवनी लाता हूं, हनुमान जी से बोला तुम लाओगे? बोला इतनी दूर है कैसे जाएंगे, कहां मिलेगी, बड़ा मुश्किल है रहने तो। ऐसा बोला था क्या यार? हां जी, कहां गए संजीवनी लेने? हिमालय पे। कहां? लंका। कहां? हिमालय। बोला ले आएंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इतिहास लिखता है कि हनुमान जी जब लंका से हिमालय की तरफ गए तो हनुमान जी दिखे ही नहीं, सिर्फ एक रेखा जाती हुई दिखाई थी, इतनी तेजी के साथ गए। और सूर्य उदय से पहले आना था। अब रावण के भी गुप्तचर थे, छोटा मोटा तो वो भी बंदा नहीं था, गुप्तचर तो उसके पे भी थे। उन्होंने बोला महाराज कांड हो गया। बोला अब क्या हुआ? बोला बंदर फिर गया। बोला कहां गया? बोला संजीवनी ने। बोला किसने बताया? सुखैन ने। बोला अपना ही बंदा। कहते हैं रावण ने कालनेमी को प्रकट किया। कालनेमी बहुत बड़ा राक्षस था, सारी विद्याएं तंत्र मंत्र सब जानता था। कालनेमी प्रकट हुआ, बोला महाराज आज्ञा करो। बोला एक बानर को रोकना है। बोला क्या हुआ? बोले संजीवनी बूटी जाने जा रहा है, बस सुबह से आने से पहले उसको उलझा के रख, सुबह ना आए सूर्य उदय हो जाए, एक बार लक्ष्मण गुजर जाए लड़ाई हम जीत जाएंगे। कालनेमी ने बोला किसको रोकना है? बोले हनुमान का बानर, हनुमान नाम का बानर, उसको रोक। कालनेमी ने बोला ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये वही बंदर तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका में आया था? रावण ने बोला हाँ वही 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 है। बोला ये वही बंदर है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी? रावण ने बोला वही है। कालनेमी बोला जब ये जला रहा था तुम कहीं बाहर गए थे? कहाँ थे? बोला वही थे। तुम्हारे 100 पुत्र कहाँ थे? बोला वो भी वही थे, उनसे रुका था। बोला नहीं। बोला हमको गाय को भेज रहे फिर बाबा? बोले जब उनसे नहीं रुका, लोग अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे, बस तुम पीछे मत हटना यार। आपको क्या लगता है मेरे को तंग नहीं किया लोगों ने? आपको क्या लगता है चमकाया नहीं है? ये लाली थप्पड़ से आई है सर, ये जो जूते मारे गए हैं ना हमारे गालों पे, कान कान पे जो हमारे बजाया गया है ना, ये लाली उसकी है सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक रातें ना जागे नसीब नहीं जागता। मैं फिर बताना चाहूंगा आपको, लोग तंग करेंगे, ताना मारेंगे, फिबतेस करेंगे, लोग तुमको हर संभव टेंशन देने का प्रयास करते ही होंगे। एक वादा आपको है कि बस आप जोर से बोलिए पीछे नहीं हटेंगे सर। एक बार और बोलिए।